श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो दोस्तों, आज की कथा में दूसरे दिन गुरु जी ने बहुत अच्छे उपाय बताए और एक विशेष जानकारी भी दी है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदीती ऑफिशियल चैनल पर। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए थोड़ी बहुत भी उपयोग रहे वीडियो लाइक कीजिएगा। सो दोस्तों, पहला उपाय गुरु जी ने बताया है, जिसको डायबिटीज हो जाती है और डायबिटीज के कारण रोज इंजेक्शन लग रहे, बहुत परेशान हो गए उस बीमारी से आप, तो आप क्या करें, यह नियम 7 दिन तक लगातार करें। आप महादेव के मंदिर जाइए, 1 बेलपत्री रोज उठा के लाइए और रोज खाइए। अगर आप बेलपत्री महादेव से लेकर आते तो भोलेनाथ से पहले प्रार्थना करें, निवेदन करें और कुंद केश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको लेकर आए। अगर आप 7 दिन तक लगातार खाते और मुंह में छाले पड़ जाते तो फिर क्या करें ऐसे में, तो गुरु जी ने कहा एक ही बेलपत्री को सुखा ले, सुखा कर उसका पाउडर बना ले और गोली बनाकर रोज खाए कुंद केश्वर महादेव के नाम से। आप देखना आपकी डायबिटीज की जो भी दवाइयां है वह सब बंद हो जाएगी और आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। दूसरा उपाय विशेष है और आज उसका पत्र भी आया था कि कोई व्यक्ति था जिसकी श्वासें रुक गई थी और वापस फिर से जीवित हो गया। तो यह उपाय गुरु जी ने पहले की कथा में बताया था। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है तो आप क्या करें, रात्रि के समय 9:15 पर ही करना है इस उपाय को। समय का विशेष ध्यान रखना है, 9:15 पर ही करना है। एक लोटा जल ले, उसमें आंवला डाल ले। आंवला हो तो ठीक है, आंवले की पत्तियां हो वो भी चल जाएगी और महादेव के मंदिर जाकर समर्पित कर दे, बस इतना सही है। और फिर उस जल को आचमन करवा दे उस व्यक्ति को, यानी थोड़ा जल झेल के लिए आए और उस व्यक्ति को पिला दे। आप देखना आप व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब तीसरा जो उपाय है विशेष, यह उपाय गुरुजी ने पहले की कथा में बताया था। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है और आप परेशान हो गए हैं तो क्या करें, अपने घर का जो मटका होता है, जी हाँ, घर के ही मटके का जल ले और सुबह प्रातःकाल उठे, स्नान नहीं करे तो भी चलेगा, बस उठकर उस मटके का जल अपने घर के मेन द्वार पर सिंचन कर दें। बस सिंचन करने ही से ही आपके घर में धन संपदा की बारिश होने लग जाएगी और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। या विशेष उपाय अगर आप नवरात्रि में करना शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आप नित्य प्रतिदिन रोज कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी बहुत उपयोगी रहे वीडियो लाइक कीजिएगा।